कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी मन ल जय जोहार। संगवारी हो, कृषि दर्शन में हमन आप मन बर नवा नवा जानकारी लाथन जेखर ले आप मन ल अब्बड़ लाभ भी मिलते। कार्यक्रम के यही कड़ी में हमन आप मन बर लेकर आए हैं हल्दी के वैज्ञानिक खेती कैसे करना है एखर जानकारी। आज के हमर विषय के विशेषज्ञ है डॉक्टर कमल नारायण वर्मा और आज हमन हन कृषि विज्ञान केंद्र पहांदा में। संगवारी हो, ये चर्चा लता हमन करबे करबो, एखर ले पहली एक संदेश। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो मृदा का जो स्वास्थ्य कार्ड होता है ये मिट्टी परीक्षण के आधार पे उसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उसको देखते हुए जो स्तर होता है पोषक तत्वों का, कम, मध्यम या उच्च स्तर का, उसको उस हिसाब से विभाजित करके बताया जाता है जिससे कि संतुलित उर्वरक का अनुशंसा किसान भाइयों को दे सकें एवं जैविक खाद का भी इसमें समावेश करके संतुलित हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कर पाएँ। हम इंसानों को अगर कोई प्रकार का अगर बीमारी होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यह कहता है कि उसमें आप पहले टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। जब ब्लड टेस्ट के आधार पे ही ये हमको ज्ञात हो पाता है कि किस प्रकार से जो है उसमें कौन सा बीमारी है, मलेरिया है या टाइफाइड है, ठीक उसी प्रकार से जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो उसके पश्चात हमको यह पता चलता है कि उसमें जो है पोषक तत्वों का स्तर क्या है। इसीलिए ये पोषक तत्वों का स्तर जानना और नितांत किसान भाइयों के लिए जरूरी है क्योंकि इस आधार पे ये अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। हल्दी के वैज्ञानिक खेती पर जमीन और जलवायु कैसे होना चाहिए, आओ एकर जानकारी लेथन। अब किसान भाई मैं ये बताना चाहूँ कि हमारे जिन जलवायु है वो हल्दी के खेती पर उपयुक्त हवे और विशेषकर जिन हमारे बस्तर जोन है वो तो और बहुत अच्छा हवे हमारे हल्दी के खेती पर। एकर पर हमारे उष्ण कटिबंधी जलवायु की जरूरत पड़ते जिन हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते। अब बात करते हैं मिट्टी की, एला हमन हाँ वैसे तो सबों प्रकार के मिट्टी में लगा सकथन जेमा जल निकास के उचित व्यवस्था रहे, लेकिन एक बार जिन लाल दोमट मिट्टी है वो सबसे उपयुक्त होते। मिट्टी के चुनाव करे के बेरा ये विशेष ध्यान रखें कि ओमा जल निकास के व्यवस्था जरूरी है। हल्दी के खेती पर जिन हमार जमीन के तैयारी है ओकर बार हमला सबसे पहले तो 3 से 4 बार जिन कल्टीवेटर है ओमा गहरी जुताई कर लेना चाहिए। गहरी जुताई करे के बाद जिन गोबर खाद है प्रति एकड़ 10 ट्राली के दर से हम लोग गोबर खाद ओमा उपयोग करना है। गोबर खाद डाले के बाद ओमा रोटावेटर चला लन। रोटावेटर चलाए के बाद एला लगाए पर रिज बना लगते। तो रिज बनाए के 2 ठन तरीका है। एक तरीका ये है कि हमन ब्रॉड बेड बनावन मतलब चौड़ा क्यारी बनावन। चौड़ा क्यारी बनाओ तो हम लोग 2 लाइन लगावत बनी एक क्यारी में। ओकर दूरी जिन है वो 1 मीटर के आसपास हम लोग रखना रहते। दूसरा विधि ये है कि रिज बनाओ तो 75 सेंटीमीटर में भी हम ना बना सकते हैं, 60 सेंटीमीटर में बना सकते हैं, 45 सेंटीमीटर में बना सकते। वो निर्भर करी हमारे मिट्टी कैसे है ओकर ऊपर। मिट्टी ज़्यादा अच्छा है भाई एकदम भुरभुरा मिट्टी है तो दूरी बढ़ाना है। और अगर मान लीजिए कन्हार मिट्टी है जेमा कंद जिन पौधा के बढ़वार ठीक से नहीं हो पावे तो वैसे तो ओकर चुनाव हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए लगाना मजबूरी भी है तो हमला दूरी है वो कम कर देना है, करीब 45 सेंटीमीटर में हमला रिजला बनाना है। संगवारी हो, अभी हमन देखें हल्दी के खेती पर जमीन और जलवायु कैसे होना चाहिए। अब हमन जानबो कि एकर खेती पर नर्सरी कैसे तैयार करना है और बुआई कैसे करना है। कभी भी जब भी हमन हल्दी के खेती करबो तो ये चीज़ हमन ध्यान रखन कि हमन ओकर उन्नतशील किस्म के ही उपयोग करना है। उन्नतशील किस्म जैसे इंदिरा हल्दी 1, इंदिरा हल्दी 2, रोमा, सुरोमा, सालेम, ये सब किस्म जिन है अनुशंसित है हमारे छत्तीसगढ़ के जलवायु पर। ये किस्म के उपलब्धता आप मान ला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कोई भी संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है उमा उपलब्ध हो जाही। एकर अलावा एकर बीज की उपलब्धता कभी कभार उद्यानिकी विभाग जिन थे ओमा स्कीम आते तो ओकर तहत भी हमारे किसान भाई मल्ला प्रदर्शन पर देते। अब हो गया कि बीज की उपलब्धता कहाँ हुई तेकर बाद अब हमन करथन कि हमला एकर कतेक मात्रा लगी और एकर तैयारी कैसे करना है। हल्दी के अगर हमन खेती करथन तो प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल लगते। अब 8 से 10 क्विंटल रेंज एकर से तिरथे कि जैसे ये देखो तो ये हल्दी के खांदा है एमा दोनों टाइप के रहते। एला हमन कहथन फिंगर राइजोम और एला हमन कहथन मदर राइजोम। अगर मदर राइजोम के मात्रा ज़्यादा है
तो हल्दी के ज़्यादा वजन लागे, ज़्यादा मात्रा लागे। अगर फिंगर राइजोम ज़्यादा है तो हल्दी की मात्रा थोड़ा कम हो जाए। लगाए बार हम जिन अभी करथन उपयोग वो सामान्यतः ही फिंगर राइजोम और मदर राइजोम के उपयोग करथन। एकर अलावा एक ठो विधि हवे जेला हमन हा प्लक ट्रे नर्सरी की थन। जैसे हमन सब्जी के थरा तैयार करथन वैसने ही हमन हा हल्दी के भी थरा तैयार कर सकथन। तैयार करे में विशेष ध्यान ये रखना है कि जैसे ये हल्दी के कंदे तो एमा जैसे ये इला कथन हमन बड है ना, बड अंकुर ऐसे हमन ला काट लेना है और एक ठो जिन टुकड़ा है ओमा कम से कम दो बड होना चाहिए। दो बड होए के बाद जैसे हमन सब्जी का थरा तैयार करे बर ट्रे उपयोग करथन वही ट्रे में 75 भाग अपन कोकोपीट और 25 भाग जिन केचुआ खाद है ओला मिला लेना है। मिलाए के बाद एला डाल के ओकर ऊपर में हमन ला बिछा देना है। बिछाए के बाद वहाँ करीब करीब 25 से 30 दिन में यह जिन हमार थरा है वो तैयार हो जाते और एला हमन ला खेत में सीधा रिज बने रही ओमा रोपाई करना है। रोपाई करे में विशेष ध्यान ये रखना है कि वो समय हमन पानी की व्यवस्था जरूर रहे। अगर पानी की व्यवस्था नहीं रही तो हमार जिन जैसे सब्जी में भी सूख जाते उसने यूँ में सूखे के डर रही थे। एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये जिन प्लक ट्रे नर्सरी है ओमा हमार फायदा का है। एकर से हमार दो फायदा है। एक तो जिन हमन अगर कंद लगा थन ज़्यादा पानी गिर गए, पानी कहीं भर गए तो वह कंद सड़े के डर रही थे। हमन अगर नर्सरी तैयार करके लगावा थन तो वह सड़े की संभावना बहुत कम हो जाते। संगवारी हो, कोनो भी फसल बर सिंचाई अब्बर आवश्यक होते। अब हमन जानबो कि हल्दी की खेती बर सिंचाई कैसे करना है और कब करना है। पानी देके जिन जरूरत है वो हमार लगाए के बेरा पे भी निर्भर करते। वैसे तो एला हमारा मई जून में लगाना चाहिए। मई जून के समय लगावो तो एक दो तीन ठो फायदा है। पहली फायदा ये है कि मई जून में लगाए रही बरसात के पानी जब ज़्यादा पानी गिरते तो वो समय पौधा बड़े हो जा रही तो उम्र सड़ने की संभावना कम रही। दूसरा फायदा ये है कि अगर मई जून में लगावा था पानी नहीं गिरे रहा है और अगर ड्रिप पद्धति से पानी देवा था तो बूंद बूंद करके पानी गिरते तो जिन जगह पौधा जरूरत है पानी वही जगह पानी मिलते और बाकी जगह खरपतवार नहीं उगा तो खरपतवार भी कम आते। एक अलावा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छे मिलते अगर हम मई जून में लगातन। अब बात करते हैं पानी दे के विधि के बारे में। पानी दे के दो ठो विधि है, एक तो ड्रिप पद्धति और दूसरा है हमारा बहाव पद्धति। बहाव पद्धति से क्या होते पानी के खर्चा ज़्यादा होते और दूसरा खरपतवार भी ज़्यादा होते। एकर से बचे पर हमला ड्रिप पद्धति अपनाना चाहिए। ड्रिप पद्धति पर सब्सिडी भी मिलते उद्यानिकी विभाग के तरफ से। ड्रिप पद्धति में सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम पानी बूंद बूंद गिरते तो पौधा जितना पानी चाहिए उतने पानी मिलते, ज़्यादा पानी भरे की भी संभावना खत्म हो जाते और जितका पानी चाहिए उतका पानी मिलते। दूसरा ये है कि जिन जगह पानी गिरते वही जगह बस पानी जाते, बाकी जगह पानी नहीं जाए तो खरपतवार की भी जिन्हें संभावना है वह कम हो जाते। संगवारी हो, कोनो भी फसल में बीमारी लगबे करते और जानथन कि बीमारी के निराकरण ला कैसे करना है। हल्दी लगाथन, हल्दी लगाए में सबसे बड़े फायदा ये है कि एमा कीड़ा और बीमारी बहुत कम आते। कीड़ा तो न के बराबर है, बहुत कम आते। बीमारी आते तो वो आते एक तो जिन हमार कंध है वो सड़े के समस्या आते और दूसरा आते हमार जिन पत्ती के किनारे किनारे पूरा झुलस जाते है ना, ओला झुलसा रोक के थे ना ओकर हल्दी के। और कभी कभी जिन हल्दी के पत्ती में बीच बीच में स्पॉट दिखते है ना, धब्बा दिखते। पहली बात करते हैं हमारे जिन है कंद सड़े के बारे में। कंद सड़े के समस्या आते हैं हमार बोए के बेरा। अगर बरसात के समय है भाई और हम बोए हवन और ज़्यादा पानी गिरा थे, जल भराव की स्थिति आवा थे तो वो स्थिति में जिन जड़ गले के समस्या आते ओकर से बचे पर हमारा क्या करना है, जड़ जिन हमार कंध है ओला उपचारित करके लगाना है। उपचारित कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से घोल लेना है और ओमा हमला कम से कम 30 से 40 मिनट डुबा के रखना है। रखे के बाद हमन ओला कंदा लगाना है। एकर से जिन कंद सड़े के समस्या है वो बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप मन के पास मान लो रासायनिक दवा उपलब्ध नहीं है और आप मन लगाना है तो आप मन गोबर घोल के भी उपयोग कर सकते हो। जिन हमारा ताज़ा गोबर है गाय के ओकर गाढ़ा घोल बनाना है। घोल बनाए के बाद ओमा 45 मिनट डुबा के रख देना है। डुबा के रखे के बाद ओला निकाल के छाया में थोड़ा सुखा देना है। एक लेप जिन है वो परत जिन है वो चढ़ जाते हमारे कांदा में ओकर बाद ओला हमारा लगाना है। एकर से भी हमारे जिन
कंद सड़े के समस्या है वह कम आते। अब आथन जिन पत्ती के किनारे किनारे जिन झुलसे रहते वो वह क्या होते जिन जैसे तापमान में जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ते तो वो समय ही थोड़ा से समस्या आते जिन हमारा पत्ती के झुलसा रोग के। तो वो समय हमें क्या करना है जिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है 3 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बनाना है और ओकर स्प्रे हमें फसल में कर देना है। स्प्रे करे के बेरा ध्यान ये जरूर देना है कि हवा के विपरीत दिशा में हमारा विपरीत जिन स्प्रे है वो कभी नहीं करना चाहिए, हवा की दिशा में ही हमारा स्प्रे करना चाहिए और ज़्यादा हवा चला थे तो वो समय हमारा स्प्रे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संगवारी हो हमन चर्चा करत रहन हल्दी के वैज्ञानिक खेती के। अब बेरा हो गए एक संदेश के, आओ लेथन एक संदेश। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है, अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36% से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, भारत। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से एक वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की है, जैसे की मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए
जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರ್ತವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಭಟ್ಟರ್ ನೇ ಜೀರೆ ಕಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಲಗಾಕರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣೋ ಕೋ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ತಾ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿ ಹೈ। ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ಅನೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಹತಾ ನೇ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಬನಾಕರ್ ಅನ್ನ ಭಂಡಾರಣ ಕೋ ಸುನಿಶ್ಚಿತ್ ಕಿಯಾ ಹೈ। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। संगवारी हो, कोनो भी फसल बर खाद अब्बड़ आवश्यक होते। आओ जानथन कि हल्दी के फसल बर खाद कैसे डालना है और कब डालना है, संगे संग एकर खरपतवार ला कैसे हटाना है। अब बात करते हैं हमल खाद प्रबंधन के बारे में। तो खाद जिन है वो चूंकि ये कंदी फसल है, एकर जड़ ज़्यादा गहराई में जाए नहीं, उथला जड़ थे, तो हमल खाद के मात्रा बिल्कुल बराबर देना है। पहले तो गोबर खाद के मात्रा जिन हम पहले हमने चर्चा करें उनकी 10 ट्राली हमल खेत के तैयारी के बेरा ही लगा मिला देना है। उकर बाद आता हम एमा यूरिया डीएपी पोटास के बारे में। तो एकर बार हमन ला एक बोरी यूरिया, डेढ़ बोरी डीएपी और दो बोरी पोटास, एला हमन ला डालना है कब, हमर जिन पौधरोपण करत हन या कंद लगावत हन ओ समय। ओकर 60 दिन बाद हमन ला उही समय गुड़ाई भी करना है और उही समय खाद भी डालना है। तो ओ समय हमन ला डालना है 15 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास। फिर तीसरा डोज डालना है हमन ला 60 दिन बाद, मतलब 2 महीना बाद, लगाए के 2 महीना बाद। तो उस समय हमें 15 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। फिर तीसरा हमें 3 महीना बाद डालना है, मात्रा वही रही 15 किलो यूरिया और 25 किलो पोटास। तो ये हम जिन्हें 3 बार कम से कम हमें वहाँ यूरिया और पोटास के मात्रा डाले लगते। पोटास बहुत ही ज़्यादा जरूरी हवे हमार कंदी फसल पर, तो पोटास के मात्रा बिल्कुल बराबर डाले। ओकर बात करते हैं हम कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व मतलब जिंक, बोरान, आयरन, एकर जरूरत जिन है कंदी फसल मतलब बहुत ज़्यादा पड़ते कंद बैठे पर। तो बोरान जिन बोरेक्स के नाम पे मिलते, जिंक जिंक सल्फेट के नाम से मिलते और आयरन जिन है आयरन सल्फेट के नाम से हमला बाज़ार में मिलते। सबों के 150 ग्राम बोरेक्स, 150 ग्राम जिंक सल्फेट और 150 ग्राम आयरन सल्फेट और 150 ग्राम यूरिया, एला हमला 100 लीटर पानी में घोल लेना है। और घोले के बाद एला हमल जिन फसल है ओमा 60 दिन बाद एक स्प्रे और 90 दिन बाद दूसरा स्प्रे, दो स्प्रे करना है। एकर से हमार फसल में जिन एक तो बीज के गुणवत्ता सही आई, जिन कंध होकर गुणवत्ता सही आई और उत्पादन भी हमला अच्छा मिली। कभी भी हम जब सॉल्यूशन बनाएं तो एक चीज़ ला ध्यान रखन कि पहले हमला 1 लीटर पानी में सब चीज़ ला घोल लेना है, ओकर बाद 100 लीटर पानी में वो डालना है। कभी भी जिन्हें हम जब कोई भी दवाई के घोल भी बनाथन तो सीधा सीधा जैसे हम लोग कहते हैं कि 100 लीटर पानी में घोलना है, तो हम क्या करते हैं 150 ml ला 100 लीटर पानी में सीधा घोल लेते हैं, तो ओमा ठीक से वो नहीं घोल पावे, ठीक से नहीं मिल पावे। तो एक बार क्या करना है, हमला पहले 1 लीटर पानी में घोलना है, ओकर बाद हमला जिन 100 लीटर पानी में वो मिला देना है। संगवारी हो, अब हम जानबो कि हल्दी की गुड़ाई कैसे करना है और कब करना है, संगे संग वो समय हमला का सावधानी रखना है। हल्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण हमार जिन ऑपरेशन है, जिन क्रिया है, वो हरे मिट्टी चढ़ाना, मिट्टी गुड़ाई करना और मिट्टी चढ़ाना। गुड़ाई करथन तो क्या होते, हवा जिन जमीन के जिन कॉम्पैक्ट हो जाते, सख्त हो जाते, ओला हम तोड़थन तो हवा के आदान प्रदान बने रहते। दूसरा फायदा ये है कि वही समय हमार जिन खरपतवार के नियंत्रण भी हो जाते, गुड़ाई करथन खरपतवार भी ओमा हमार खत्म हो जाते। तो गुड़ाई करना है तो पहला गुड़ाई करना है हमला 60 दिन बाद, और 60 दिन बाद गुड़ाई करा था वही समय हमारे जिन यूरिया और जो पोटास के मात्रा है 15 किलो 25 किलो ओला हमला डाल लेना है। और उसके बाद हमला गुड़ाई करना है, गुड़ाई करे के बाद ओला माटी चढ़ाना जरूरी है।
अगर कंद बाहर दिखी और सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट आई तो कंद खराब भी हुई, और अगर बाहर दिखी तो फिर नीचे कंद बैठा भी नहीं। तेला हमला ध्यान रखना है, मिट्टी चढ़ाना बहुत जरूरी है। पहला मिट्टी चढ़ाना है हमला 60 दिन बाद, और दूसरा मिट्टी चढ़ाना है हमला 90 दिन बाद, मतलब 2 महीना बाद और 3 महीना बाद। संगवारी हो, गुड़ाई के बाद जानथन कि एकर भंडारण ला कैसे करना है और एकर कतका लाभ है। हल्दी के फसल है 8 से 9 महीना के फसल रहते हैं, 8 से 9 महीना एकर से थी कि हो सकता है आपकी मिट्टी अच्छा है, खाद पानी अपन अच्छा देवा था तो वो बढ़ जाते, 9 महीना तक चल जाते। पानी कम हो गए तो 8 महीना में ही होकर परिपक्वता आ जाते। तो एक बार हमें लगाया करना है, जैसे आपके हल्दी पकने पके के अवस्था आ गए तो वो पता कैसे चलते, पूरा पत्ती जिन है वो पूरा सूख के नीचे में झड़ जाते, नीचे में मतलब गिर जाते थे, है ना। तो नीचे में गिर गए वो समय हम समझ गए कि हमारे फसल जिन है वो हमारे खुदाई पर तैयार आवे। फसल की खुदाई हमें तब करना चाहिए जब हमारे पास ओकर भंडारण की व्यवस्था रहे या तो फिर हमारे बाजार की व्यवस्था रहे। भंडारण की व्यवस्था मतलब भंडारण करे बार एकर व्यवस्था जरूरी थे हमारे, या तो छप्पर वाला घर हो है, या छानी वाला जिन घर हो है जेमा नीचे में प्लास्टर ना रहा है ओकर, या तो फिर हमार अगर ओकर भंडारण बार अगर बनाना है जगह तो ओकर एक ठो गड्ढा वाला विधि भी आवे जेमा जिन ऊपर जमीन है ओमा 4 से 5 मीटर गड्ढा कर लेना है और 3 मीटर चौड़ा कर लेना है। ओमा जिन बोरी है बोरी में भरे हवन हमार कंद मल्ला ओला ढेर ढेर बिछा के ओकर ऊपर में जिन हमार हल्दी के पत्ता है ओला ढक देना है। एकर अलावा जिन गड्ढा है ओकर चारों तरफ भी हमला जिन हल्दी के पत्ता है ओला डाल देना है। ओमा हमन हाँ 2 से 3 महीना भंडारित करके आराम से रख सकथन। अगर मान लो जाए हमन जिन पक्का वाला मकान है ओमा अगर भंडारित करे सोचबो तो ओमा बहुत ही दिक्कत ज़्यादा है। काबर ओमा एक तो गर्मी बढ़ते और दूसरा नीचे में अगर फ्लोर है वह जिन सीमेंटेड है तो ओकर से गर्मी से भी हमार एक कंध है वो सड़ी भी, और दूसरा ओकर वजन के जिन कम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओकर से बचे बार हमारा भंडारण जिन है छप्पर वाला घर है वही में करना चाहिए, या अगर वो व्यवस्था नहीं है तो हम जमीन में ही ओला रहन देवन, और जब बाजार की व्यवस्था है या हमारा जब ओकर प्रोसेसिंग करना है जब ओकर पाउडर बनाना है तो वो समय हम ओकर खुदाई करें। तेकर से हमारे थोड़ा जिन वेट लॉस है मतलब वजन की जिन कमी है वो थोड़ा सा हमन कमी कर सकथन। खुदाई करे बार एला हमन मैनुअली कर सकथन जिन आदमी के सहारा ही कुदाली और रापा के माध्यम से एक खुदाई करना है। खुदाई करे के बेरा ध्यान देना है कि ओकर जिन कंध है वो बिल्कुल ना टूटे, टूटी तो वही जगह फिर इन्फेक्शन के जिन संभावना है वो बढ़ते। संगवारी हो, आप मन ला कार्यक्रम कैसे लगी एकर बारे में हमन ला चिट्ठी लिखकर जरूर बताओ। हमार पता है द्वारा निर्देशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर पिन है 492007। संगवारी हो, आप मन संग अब्बर सार्थक चर्चा हुई हल्दी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। अगले अंक में फिर मिलबो एक नवा विषय के साथ, तब तक बर जय जोहार।